हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डी फार्मा क्या होता है, डी फार्मा को कब करना चाहिए, डी फार्मा करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कंप्लीट विषय पर चर्चा करेंगे। जो साथी डी फार्मा के बारे में जानना चाहता है, डी फार्मा करने के बाद उसके फायदे जानना चाहता है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथियों, बात करेंगे डी फार्मा की। डी फार्मा क्या होता है? डी फार्मा जो होता है उसकी फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा की फुल फॉर्म क्या होती है? डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है। हिंदी भाषा की बात करें तो बोलते हैं फार्मेसी में डिप्लोमा। साथियों, 2 साल का कोर्स होता है, सेमेस्टर मोड पे इसके एग्जाम होते हैं, 4 सेमेस्टर के अंदर इस कोर्स को कराया जाता है। अब बात करते हैं कि डी फार्मेसी करने के बाद क्या फायदे होंगे। तो यदि हम डी फार्मेसी करने के बाद फायदे की बात करें तो सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि दवा से संबंधित ये कोर्स है, यानी कि जो मेडिकल स्टोर होते हैं उन सभी के पास डी फार्मेसी होती है, दवाई के अंदर नए शोध कर सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि जो डी फार्मेसी का कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद जॉब से संबंधित जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या होती है। साथियों, यदि आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपने +2 पास होना चाहिए। +2 पास होने के बाद आपके +2 में 50 से लेकर 55% तक मार्क्स होने अति आवश्यक हैं। और उसके साथ साथ एक कंडीशन और होती है, +2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से किया हुआ होना चाहिए, यानी कि PCM और PCB से आपने यदि +2 कक्षा पास कर रखी है और 50 और 55% मार्क्स आपके यदि हैं तो आप डी फार्मेसी कर सकते हो, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। आर्ट के जो स्टूडेंट होते हैं जिनके पास हिंदी इंग्लिश हिस्ट्री पॉलिटिकल या आर्ट से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं वो बच्चे इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल साइंस के बच्चों को इस कोर्स को करने की अनुमति होती है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है। साथियों, एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ तो बताना चाहूँगा 2 ईयर का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर में इसके एग्जाम कराए जाते हैं और 3 मंथ्स की इसकी इंटर्नशिप होती है। कहने की बात यह है कि जो ये कोर्स होता है 2 साल और 3 महीने का होता है, इसमें 4 सेमेस्टर मोड के अंदर एग्जाम कराए जाते हैं बच्चों के और सभी एग्जाम क्वालिफाई कर लेने के बाद में 3 महीने की इंटर्नशिप होती है, ताकि उन बच्चों को जिन्होंने डी फार्मा किया है उनको डी फार्मा से संबंधित कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी दे दी जाए, ताकि वो कहीं भी जाएं, अपना किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब करने जाएं या अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोले या कोई डी फार्मा के अंदर शोध करे या फिर विदेश के अंदर कहीं जाके जॉब करे तो उन बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी ना आए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि यदि आप डी फार्मेसी करना चाहते हैं तो डी फार्मेसी के लिए आपको कितनी फीस पे करनी पड़ती है। देखो, प्राइवेट कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो आपको 80,000 से लेकर 1,00,000 रुपए के बीच में फीस पे करनी होती है। और यदि बात करें हम गवर्नमेंट कॉलेज की तो वहां 40,000 से लेकर 45,000 तक आपका जो कोर्स होता है उसकी आपको फीस पे करनी पड़ती है। फर्स्ट प्रेफरेंस आप गवर्नमेंट कॉलेज को दें। यदि आपका दाखिला गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में जिन बच्चों का दाखिला होता है उनको प्रैक्टिकली रूप से सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जबकि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनके पास कुछ संसाधनों की कमी होती है जिस वजह से वो बच्चों को कंप्लीट नॉलेज नहीं दे पाते हैं। देखो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपको देनी है गवर्नमेंट कॉलेज को। यदि गवर्नमेंट कॉलेज में आपका दाखिला नहीं होता है तो फिर आप प्राइवेट कॉलेज की चॉइस भी कर सकते हैं, और एडमिशन से पहले आप कॉलेज की विजिट करके देख सकते हैं, पुराने जो बच्चे जिन्होंने डी फार्मा वहाँ से किया है उनसे डिस्कस कर सकते हैं, वो बच्चे आपको बता देंगे कि किस प्रकार की पढ़ाई होती है, क्या क्या यहाँ शोध कराए जाते हैं, किस प्रकार की प्रैक्टिकल नॉलेज आपको दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे कि डी फार्मेसी करने के फायदे क्या होते हैं।
देखो डी फार्मेसी करने के साथियों बहुत सारे फायदे होते हैं। सबसे पहली तो एक बात बताना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब में आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं डी फार्मा करने के बाद। उसके बाद एक वैज्ञानिक अधिकारी आप बन सकते हैं, आप विदेश में जॉब कर सकते हैं, आप फार्मासिस्ट के अंदर जो करियर है उसको अपना बना सकते हैं, यानी कि रिसर्च भी आप कर सकते हैं फार्मासिस्ट करने के बाद। डी फार्मा करने के बाद आप रिसर्च की लाइन में भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। देखो बड़े बुजुर्गों के द्वारा कही गई कहावत है कि एजुकेशन और मेडिकल लाइन कभी भी मतलब कि पिटती हुई नहीं देखी, यानी कि एजुकेशन और मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा पैसा होता है, सबसे ज़्यादा जॉब्स होती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि यदि आप डी फार्मेसी यानी कि डी फार्मा का कोर्स करना चाहते हैं तो आपका कॉलेज को किस की मान्यता होनी जरूरी है, इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखना है। देखो पीसीआई की जो मान्यता होती है, पीसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, पीसीआई के द्वारा इनको डी फार्मेसी के जो कॉलेज होते हैं उनको मान्यता दी जाती है। तो आप जब भी जहाँ भी जिस भी संस्था में अपना डी फार्मेसी में दाखिला लें, एक बार उसको जरूर चेकआउट कर लें कि वो पीसीआई की वेबसाइट पर कॉलेज का नाम मेंशन है या नहीं है। यदि पीसीआई की वेबसाइट पर कॉलेज का नाम मेंशन नहीं है तो कॉलेज इस बारे में पहले डिस्कस करिए। यदि कॉलेज उस जो भी आपका डाउट है उसको क्लियर करने में सक्षम होता है तो आप वहाँ एडमिशन लें, अन्यथा आप इससे थोड़ा सा बचें। उसके बाद अगली बात आती है हमारी सैलरी की कि भाई डी फार्मेसी करने के बाद आपको कितनी सैलरी दे दी जाती है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, डी फार्मेसी करने के बाद 25,000 रुपये से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, और जिस प्रकार से आपका अनुभव बढ़ता जाता है उसी प्रकार से आपकी सैलरी को भी बढ़ा दिया जाता है। आपके शहर में आपने देखे होंगे छोटे छोटे मेडिकल स्टोर हैं, और बड़े बड़े जो मेडिकल स्टोर हैं, जो नामी मेडिकल स्टोर हैं, कहने की बात यह सबके पास डी फार्मेसी का डिप्लोमा है और दिन में लाखों की तादाद में वो पैसे कमा के लेके जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डी फार्मेसी करने के बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी और आप मतलब सक्सेस नहीं होंगे। आपको जरूर एक बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होगा, किसी भी मेडिकल के ऊपर आप काम कर सकते हो या किसी डी फार्मेसी कंपनी में आप काम कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, आपका जिस भी फील्ड में आपकी रुचि हो उसी फील्ड में आप जाएं। बट कहने की बात यह है कि जॉब के प्रति बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप आसानी से डी फार्मेसी करने के बाद 25,000 प्लस सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों आज की वीडियो से आप लोगों को क्या कुछ सीखने को मिला जरूर बताइएगा, और कोई साथी यदि हरियाणा से डी फार्मेसी करना चाहता है तो हमारा मोबाइल नंबर दिया गया है। डी फार्मेसी से संबंधित कोई भी आपको कंसल्टेंसी चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमसे जितनी संभव होगी आपकी मदद करेंगे और आप लोगों को डी फार्मेसी करवाने के लिए कॉलेज भी सजेस्ट करेंगे कि किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और किस प्रकार से आपको डी फार्मेसी करनी चाहिए। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करनी थी। यदि आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है या फिर इंस्टाग्राम है, उन सभी पर इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो दोस्त भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और डी फार्मेसी करके अपने भविष्य को संवार सकें।